हेलो माय डियर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विज़ार्ड। दिस इज़ मोहित। ग्रामर की सीरीज़ में हम काफ़ी कुछ पहले से पढ़ चुके हैं। मैंने कई सारी वीडियोस भी डाली थी जिसमें हमने ग्रामर में नाउन के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर और कॉमन नाउन के डिफरेंशिएशन पढ़ा था और भी कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। बट ये हमारा कुछ क्रिस्पी आइटम है, कुछ क्रैश कोर्स टाइप का है। तो इसमें हम देखेंगे कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम यूटिलाइज उसको कैसे कर सकते हैं एंड हाउ कैन यू लर्न फ्रॉम देयर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, तो नाउन है क्या बेसिकली, हमने सबसे पहले पढ़ के रखा हुआ है। देखिए, जो भी चीज़ हमारे आसपास दिख रही है वो सारी नाउन होती है, हमें पता है। ठीक है, तो बेसिक जो डेफिनेशन है जो क्लास एट्थ फर्स्ट क्लास फर्स्ट के बच्चे को भी और हाई स्कूल इंटर के भी बच्चे को पढ़ाई जाती है, वो क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन किसी भी पर्सन का, व्यक्ति का और प्लेस मतलब जगह का और एक वस्तु का नाम हो सकता है। ये डेफिनेशन होती है नाउन की, जो कि बहुत ही जनरलाइज डेफिनेशन है। क्लियर बात। तो अगर हम बात करेंगे किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या तो व्यक्ति का नाम होगा या तो वस्तु का या जगह का नाम होगा। तो नाउन सबसे पहले है कि नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं। जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं यानी कि जिन चीज़ों का नाम होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें नाउन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो नाउन को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन आप पढ़ के आए हैं वो क्या है, विजिबल आइटम है, पर्सन प्लेस और थिंग, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, यहाँ से आपकी डेफिनेशन पहली वाली खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई, जो आप पढ़ के आए हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि नाउन नेमिंग वर्ड में जो विजिबल आइटम है उसमें आता है पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है सर, बाकी सारी चीज़ें कहाँ गई भाई, नाउन तो क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी जो कैटेगरी है नाउन की वो है हमारी, ये फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज सेकंड कैटेगरी एंड दिस इज द थर्ड कैटेगरी। द सेकंड कैटेगरी इज द फेल्ट ओनली, जिस चीज़ों को हम सिर्फ फेल्ट या फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भी नाउन होती है। कौन कौन सी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फीलिंग, एफ फॉर फीलिंग, फीलिंग यानी कि सपोज फीलिंग ऑफ हेट्रेड, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ एंगर, ये भी फीलिंग है। ठीक है, तो ये फीलिंग है तो ये भी क्या है, ये भी नाउन की कैटेगरी में आती है। भाई किस कैटेगरी में आएंगे, नाउन की कैटेगरी में। सो फीलिंग, एफ फॉर फीलिंग, क्यू फॉर क्वालिटी, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है ना, वी लव हिज ऑनेस्टी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो बेसिकली जो ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी भी क्या है, नाउन है, क्वालिटी है। एक्शन, अगर कोई रन कर रहा है, रनिंग, ठीक है, लाफ्टर, हंसना, रनिंग नहीं, रनिंग द वर्ब में आ जाएगा, लाफ्टर, हंसना, तो ये क्या है, बेसिकली नाउन है। फिर उसके बाद स्टेट, जैसे मैंने कहा कि आई एम वेरी सैड टुडे, ठीक है ना, आई एम वेरी सैड टुडे, अब मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ आज, तो बेसिकली ये सैड है क्या, सैड है स्टेट ऑफ टेम्परामेंट बता रहा है, सैड का मतलब होता है दुखी, तो सैड है क्या, स्टेट ऑफ टेम्परामेंट बता रहा है। तो कहने का मतलब है फीलिंग, क्वालिटी और एक्शन और स्टेट, ये भी किसी कैटेगरी में आते हैं, नाउन की कैटेगरी में आते हैं। पर कौन सी नाउन आते हैं, ये सारे होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगी। राइट, नाउ थर्ड वन इज द यूनिट। यूनिट क्या होती है, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, ये भी क्या है, ये भी नाउन की कैटेगरी में आती है। भाई किस कैटेगरी में आएंगे, नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ अच्छे से, देखिए। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे नाउन की। ये जनरलाइज डेफिनेशन है बिल्कुल, हु, वॉट और हुम। अगर किसी भी प्रश्न में हु, वॉट और हुम का उत्तर मिल रहा है तो वो हमारा नाउन होता है, जो उत्तर है वही हमारा क्या है, नाउन होता है। क्लियर बात। जैसे एक सेंटेंस को देखें, मैं जल्दी से बात करूं क्योंकि हमें जो मेन पॉइंट उसमें आना है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है गोलू कॉल्ड मोलू, तो गोलू ने किसको बुलाया, जैसे मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, हु कॉल्ड मोलू, तो हु कॉल्ड मोलू, तो हु का आंसर क्या आया, गोलू। क्वेश्चन क्या बना, हु कॉल्ड मोलू, तो हु का आंसर क्या आया, गोलू। तो हु का जो आंसर आता है वही क्या होता है, नाउन। क्लियर बात। या मैं ऐसे कह दूं गोलू कॉल्ड हुम, गुरु ने किसको बुलाया, ये ऑब्जेक्टिव केस है हुम, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो आ जाएगा ऑप्शन मोलू। नेक्स्ट, द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, तो हु डिसाइडेड द टीम, द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, द कैप्टन डिसाइडेड व्हाट द टीम। क्लियर बात होगी यहां से। तो कहने का मतलब है किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास व्हाट, हु या हुम का हमें उत्तर मिल रहा है तो वो हमारा नाउन होगा। इतनी छोटी सी बात तो हम समझ गए। अब हम बात करते हैं सर उसके अलावा आपने क्या बताया, मैंने क्या बताया उसके अलावा, उसके अलावा मैंने बताया कि यूनिट जो होती है वो भी नाउन होती है। जैसे देखें, जैसे मैंने कहा कि 50 kg, ठीक, 50 kg, 50 kg की अगर मैं बात करूँ, आपने ध्यान रखा, जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर ऐड करना है, इस नंबर में छः रुपये ऐड करने, तो 6 रुपये कहाँ लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं, अगर इसमें 6 रुपये ऐड करने तो यहाँ लिखेंगे। कहने का मतलब है जब भी हम काउंटिंग करते हैं हमारे, हम लोग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी जब काउंटिंग करेंगे तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर मैं कहूँ कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसको डिवाइड करें, क्लासिफिकेशन करें, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे सर ये वाला जो होगा हमारा नाउन होगा।
ठीक, आपको भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इस बारे में, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नाउन प्रोनाउन का जो पड़ोसी होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर ये हो गया किलोग्राम, हमारा क्या हो गया नाउन। अब किलोग्राम की जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव, यानी कि ये एडजेक्टिव है। किलोग्राम थे कितने, 50। कहने का मतलब है अब ये किलोग्राम हो क्या गया, नाउन। यही तो मैंने लिखा है यहां पर कि जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, नाउन। कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे हमने कहा 10 मीटर, तो 10 मीटर में मीटर हो गया हमारा नाउन और 10 हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्लियर बात नहीं, छोटी सी बात है बिल्कुल। आगे देखते हैं, ठीक, आगे देखिए। अब नाउन का क्लासिफिकेशन, ज्यादा हम सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में आती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझे खाली। देखिए प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, देखिए प्रॉपर क्या है, प्रॉपर मतलब जो चीज़ें स्पेसिफिक है, विशेष है, वो प्रॉपर हो जाती है। जो चीज़ कॉमन है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे मैंने बात किया फोन, मोबाइल फोन, आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, लेकिन एप्पल का फोन हर व्यक्ति के पास नहीं होगा। तो जो फोन हो गया वो क्या हो गया, फोन हो गया, वो कॉमन हो गया, हर व्यक्ति के पास फोन है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्रॉपर आईफोन बहुत कम लोगों के पास है, तो वो प्रॉपर हो गया। कहने का मतलब है जो जनरल चीज़ें होंगी वो क्या होती हैं, कॉमन नाउन, और जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं वो होगी प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में एक पर्टिकुलर नाम आएगा, जैसे मैंने कह दिया आईफोन, तो ये आईफोन एक विशेष फोन हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। पर अगर मैं सिर्फ कह दूँ फोन, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन हो गया। दूसरी चीज ध्यान रखना, कॉमन नाउन जो है वो एक किसी कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने कहा फोन, फोन में 50 तरह की कैटेगरीज आ गई, तो कॉमन नाउन कैटेगरीज को भी रिप्रेजेंट करती है, पर प्रॉपर नाउन कैटेगरीज को नहीं रिप्रेजेंट करेगी, ये स्पेसिफिक आइटम को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैंने किसी व्यक्ति का नाम बोल दिया, जैसे अब्राहम लिंकन हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी हो गए, ठीक है ना, और अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, तो ये जो बेसिकली नाम है ये प्रॉपर नाम है, एक विशेष व्यक्ति के नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, दूसरी चीज़, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल्स में लिखा जाता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए आप सेंटेंस लिख रहे हैं, बीच में किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो आप उसको कैपिटल में लिखते हैं हमेशा। उसी तरह जो प्रॉपर नाउन है सेंटेंस में जहाँ पर भी आए, मतलब नहीं, स्टार्ट देखो, अगर जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं ही इज़ अ बॉय, इस कंडीशन में हम पहला जो एच है वो कैपिटल रखते हैं। क्यों, क्योंकि एच इसलिए कैपिटल रख रहे हैं क्योंकि सेंटेंस का जो पहला स्टार्टिंग लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल रखते हैं, तो इस बिहाफ पे इसको कैपिटल रख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ही इज मोहन, अब मोहन सेंटेंस के लास्ट में आया, लेकिन मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर मोहन प्रॉपर नाउन है तो सेंटेंस में कहीं पर भी आए पर हम उसे कैपिटल्स में रखेंगे। जो पहले शब्द होता है सेंटेंस का, जो पहला शब्द होता है वो तो कैपिटल्स में लिखा जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन कहीं पर भी सेंटेंस में आ जाए, चाहे पहले आ जाए लास्ट में आए, वो हमेशा कैपिटल्स में लिखेगा। अगर मैं बोल लूँ मोहन इज अ बॉय, तो इस कंडीशन में भी मोहन पहले सेंटेंस में पहला आ रहा है, इसलिए भी कैपिटल्स में लिखा है, और क्योंकि प्रॉपर नाउन है वो इसलिए भी कैपिटल्स में लिखा हुआ है। क्लियर हो गई कोई शायद बात, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। देखें नेक्स्ट बात करते हैं, इनिशियल लेटर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, देखिए मैं भी आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा जो कि एडजेक्टिव के अंदर अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल हमें, हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 होते हैं। लोग बोलते हैं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 नहीं होते। आर्टिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, आर्टिकल्स किसका पार्ट होता है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है। क्लियर, तो यहां पर हमने देखा क्या कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं रखता, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल में कितने रूल्स होते हैं, एक मैं छोटी सी बात बता दूं, आर्टिकल्स में रूल होते हैं 36, दे आर 36 रूल इन आर्टिकल। ठीक है, उसमें से 26 आपको आते हैं और जो आपको आते हैं वो एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, आर्टिकल में 36 रूल्स होते हैं जिसमें से 26 आपको आते हैं और 10 आपको वो नहीं आते जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको वो 10 पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं पर आपको नहीं आते। क्लियर बात, यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ एक रूल, आर्टिकल का सिर्फ एक रूल है, मैं दूसरा रूल कभी नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ एक रूल। क्या रूल है, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद अ कॉमन नाउन, आर्टिकल बस कॉमन नाउन के साथ यूज करना, कभी भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आते। आर्टिकल्स आर ऑलवेज 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 यूज विद अ कॉमन नाउन। अब आप बोलेंगे सर कि गंगा नदी तो प्रॉपर नाउन है, ऑब्वियसली एक ही गंगा नदी है, पर वहां पर भी आर्टिकल दा लगा देते हैं। ठीक है ना, हिमालय एक ही है पर उसके साथ भी आर्टिकल दा लगा देते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं अभी इसी स्लाइड में दूंगा आपको। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपके इस प्रश्न का उत्तर दे देता है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि आर्टिकल्स हमेशा कॉमन नाउन के साथ यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, कॉमन नाउन के साथ, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद द कॉमन नाउन। क्लियर बात हो गई यहां तक। ठीक है, तो इस प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद द कॉमन नाउन, आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक, इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा
इस बात का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कि द गंगा, आपने सुना होगा गंगा के साथ द लगाते हैं, लेकिन द हमने कहा कि आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद द कॉमन नाउन, आर्टिकल हमेशा किसके साथ यूज करते हैं? कॉमन नाउन के साथ यूज करते हैं। लेकिन गंगा क्या है भाई? गंगा हमारी एक नदी का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है। तो ये होता क्या है, कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी कॉमन होती हैं, ठीक है, कि हम उनको कहते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपको दुकान में गए और आपने बोला दुकानदार से कि मुझे भैया दो पानी दे देना, तो दो पानी दे देना तो ऐसा तो नहीं कि वो दो बूंद पानी दे देगा। आपने देखिए, लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए सहूलियत रखती है कि दोनों एक दूसरे से कहना क्या चाहते हैं, इसलिए हम कम शब्दों में अपनी बात कह देते हैं। जब आपने कहा उसे भैया दो पानी देना, तो तुरंत समझ जाएगा कि भैया आप दो पाउच पानी मांग रहे हो या दो बोतल पानी मांग रहे हो। मान लो आप पैदल चल के आए हो, उसने हैसियत देख ली तो सोचेगा दो पाउच पानी दे दें, ठीक। या आपने कहा दो पानी पानी दे दो, तो दो बोतल पानी निकाल के दे देगा। कहने का मतलब है, दुकानदार को ये पता है कि आप कहना क्या चाहते हो। इसीलिए जब आप गंगा बोलते हो तो उस टाइम में हमें भी ये पता है, आपको भी ये पता है, और हर किसी को ये पता है कि गंगा का मतलब क्या है। गंगा नदी से ही मतलब है। गंगा का मतलब गंगा जमुना वाली पिक्चर वाली तो नहीं होगी गंगा, तो गंगा का मतलब किससे है? गंगा नदी से मतलब है। तो जब गंगा का मतलब गंगा नदी से है, तो कहीं ना कहीं यहां पर कुछ लिखा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है, और वो क्या है? अब देखा, गंगा का मतलब किससे है? गंगा का मतलब गंगा नदी से है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई गंगा आपने बोला तो इसका मतलब आप गंगा नदी की ही बात कर रहे हैं, कोई दूसरी गंगा नहीं हो सकती। तो जब गंगा का मतलब गंगा नदी से है, और मैंने बताया आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद अ कॉमन नाउन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो द आर्टिकल आया है, ये इस गंगा के लिए नहीं आया है, इस रिवर के लिए आया है। और रिवर क्या है सर? कॉमन नाउन, ठीक। यहां से हम कहेंगे कि आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद द कॉमन नाउन। क्लियर बात हो गई इतनी सी? इतनी सी बात शायद क्लियर होगी। ओके ओके, जैसे हमने बोला द ताजमहल, ठीक। अब इस कंडीशन में हमारे पास ताजमहल तो एक ही है, ताजमहल तो 50 नहीं है, लेकिन उसके साथ भी आर्टिकल द यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस कंडीशन में भी जैसे हमने ताज ही बोल दिया, महल नहीं बोला हमने, मान लीजिए द ताज बोल दिया, तो द ताज की कंडीशन में हमें पता है ताज एक ही है क्या? महल। तो इस कंडीशन में ये आर्टिकल किसके साथ आया है? महल के साथ, क्योंकि महल तो कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, ताज तो सिर्फ एक ही है। इस चीज़ का मैं पूरा जो एनालिसिस है वो मैं आर्टिकल के चैप्टर में करूंगा, अभी मैंने सिर्फ समराइज्ड वे में बताया है आपको दैट आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द कॉमन नाउन, कभी भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के लिए नहीं आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस हुआ कि कॉमन नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन क्या होती है, कैसे हम उसके बीच का डिस्टिंक्शन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की और कलेक्टिव नाउन की, ठीक है ना, और भी कई सारे नाउन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Like the video, if you enjoy the session, इसको share करें video को, channel को subscribe करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, friends को spread करें। Thank you, this is Vocab Wizard, Mohit.